मेरा नाम जय वर्मन है, मैं खड़गपुर से आया हूँ। मैं यहाँ भारत इंस्टीट्यूट के बारे में देखा था यूट्यूब पे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर एडमिशन लिया योटी क्रेन ओवर इलेक्ट्रिक ओवर हेड क्रेन। उसके बाद फिर मेरा यहाँ थ्योरी हुआ, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल भी हुआ, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हुआ। थ्योरी में मतलब उसके लीवर फंक्शन के बारे में सब समझाया गया है, और फिर वहाँ प्रैक्टिकल पे भी लीवर फंक्शन के बारे में समझाया गया था। उसकी ओवरहेड क्रेन में 3 लीवर है। यहाँ से 2 महीने के ट्रेनिंग से मैं संतुष्ट हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी मिला, मेरा बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल भी हुआ है। उसके बाद मैं इसके कहीं पर भी जाके मैं काम कर सकता हूँ, और हॉस्टल में भी आने के बाद अच्छा सुविधा रहा, सब कुछ सही था हॉस्टल पर भी। नमस्कार, हमार नाम देवदुलाल सोरेन, খড়গপুর কেশিয়াড়ি থেকে এসেছি। আমি ইউটিউবে দেখে ভারত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে অ্যাডমিশান হয়েছি। এখান থেকে প্র্যাকটিক্যাল করে দু মাসের প্র্যাকটিক্যাল করে ইওটির আমি ট্রেনিং নিয়েছি। এখানে যিনি স্যার আছেন, যিনি আমাদের থিওরি করান, উনি ভালোভাবে আমাদের বুঝিয়েছেন কেমন লিভারগুলো চালাতে হবে, কেমন কিনা কী আছে, ঠিক আছে। তো তার মধ্যে আমাদের স্যার যিনি আছেন, উনি খুব ভালো আমাদের প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমাদের 2 মাস দিয়েছে টাইম। 2 মাসের মধ্যে আমাদের ভালোভাবে প্র্যাকটিক্যাল, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজে না শিখতে পারছো ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে ছাড়া কেউ ছাড়বে না, ভালোভাবে তোমাকে ট্রেনিং করিয়ে এখান থেকে ছাড়বে সবাই। আর এখানে জব প্লেসমেন্টও এখানে কী বলবো, প্র্যাকটিক্যাল করার পর জব প্লেসমেন্ট করা হয় এখান থেকে, ঠিক আছে। তুমি ফরেনও যেতে পারো, তুমি ইন্ডিয়াতেও থাকতে পারো, যেখানে তোমার খুশি যেখানে তুমি নেবে, ঠিক আছে। যেখান থেকে বেরোবে জবের জন্য ওখানেই তোমাকে জব দেওয়া হবে। আর এখানে যিনি স্যার আছেন, এখানে খুব ভালো, এখানে হোস্টেলও খুব ভালো, হোস্টেলে থাকা খাওয়া সব কিছু ভালো একদম। হোস্টেলে যিনি স্যারগুলো আছেন আমাদের ভালোভাবে গাইড করেন, আমাদের দেখাশোনাও করেন ভালোভাবে। তো এখান থেকে খুব ভালো, আমার এখানে এই ইনস্টিটিউটে এসে আমাকে খুব ভালো লেগেছে। এই ইনস্টিটিউটে এসে আমি আমার ক্যারিয়ার লক্ষ্য করতে পেরেছি, ঠিক আছে। এখানের অ্যাড্রেস হচ্ছে ভারত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, জামশেদপুর, মানগো রোড। জয় বর্মন, আপ ভারত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট মে ওভারহেড ক্রেন কা ট্রেনিং লেনে কে লিয়ে আয়ে থে? ইয়েস। তো কেসা পায়া ভারত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট কো? বহুত আচ্ছা পায়া স্যার, সন্তুষ্ট হয়ে করকে। अभी अभी थ्योरी कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल भी कर लिए। थ्योरी में कैसा है, समझ में आया पूरी तरह? यस सर, सब समझ आया। और प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल भी सर, बहुत अच्छा से प्रैक्टिकल भी हुआ। प्रैक्टिकल से सेटिस्फाइड है? यस सर, हाँ सर। मजा आया? यस सर। चला लेंगे पूरी तरह? यस सर, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? ना सर। अच्छा, कैसा भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जो टीचर थ्योरी और प्रैक्टिकल जो हम लोग कराते हैं, तो उसमें कैसा आप सेटिस्फाइड हैं पूरी तरह से? यस सर, सेटिस्फाइड। और तो जय वर्मन, आप कहाँ से हैं? सर मैं खड़गपुर से हूँ। और यहाँ पर कैसे आना हुआ? सर मैं यूट्यूब देख के आया था भारत इंस्टीट्यूट में ओवरहेड क्रेन के ट्रेनिंग के लिए, और 2 महीना ट्रेनिंग हुआ, बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ, यहाँ प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा हुआ है। तो ये भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर जो है, yes. तो ये तो ट्रेनिंग के लिए ही बहुत फेम है। yes. और यहाँ ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग होता है। यस सर, बहुत स्ट्रांग। तो थ्योरी तो बहुत अच्छी तरह से हुआ। यस सर, यस सर। अब मेन होता है इशू प्रैक्टिकल का। बहुत से लोग सोचते हैं कि पता नहीं प्रैक्टिकल, बहुत से लोग दे भी नहीं पाते हैं। yes, यहाँ तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिलकर ही एक कम्प्लीट आप एक ऑपरेटर बन सकते हैं। यस सर। तो प्रैक्टिकल में मशीन चलाए तो कॉन्फिडेंस कैसा आया पूरी तरह? यस सर, फुल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है पूरी तरह? यस सर। नोट लेके चले? यस सर, चला। ट्रेनिंग में कैसा, पूरा फुल ट्रेनिंग हुआ या नहीं? फुल ट्रेनिंग हुआ। अब जॉब के लिए करना चाहे तो आप कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस है? फुल कॉन्फिडेंस है सर, और बहुत अच्छे से भी कर सकते हैं। तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका जब आए एज ए स्टूडेंट यहाँ पर, यस सर, तो कैंपस के अंदर हॉस्टल भी है? यस सर। हॉस्टल का सुविधा? हॉस्टल में सुविधा भी बहुत अच्छा है सर। अच्छा, हॉस्टल का सुविधा ठीक लगा? यस सर, बहुत अच्छा। हॉस्टल का खाना भी अच्छा है। और थ्योरी का टीचर? थ्योरी का टीचर भी बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? प्रैक्टिकल में भी कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा हुआ हमारा। तो कॉन्फिडेंस के साथ बताइए जो व्यूवर्स को जो देख रहे हैं, ये उनको क्या प्रेरणा मिलना चाहिए आपका ट्रेनिंग से, कुछ मैसेज देंगे उनको ट्रेनिंग के लिए? आप भी आइएगा भारत इंस्टीट्यूट जमशेदपुर मानगो, और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, सीखिएगा, बहुत अच्छा सिखाते हैं। प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा होता है, थ्योरी भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ का हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है हॉस्टल का।
तो दोस्तों भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ओवरहेड क्रेन का जो ट्रेनिंग हुआ है, देखिए अजय वर्मन है, यहाँ बंगाल से है और इन्होंने ट्रेनिंग किया। इनका व्यू हम आपको बताने के लिए इनका व्यू आपके सामने छोड़ रहे हैं। दोस्तों ये है भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ओवरहेड क्रेन का प्रैक्टिकल का व्यू देख रहे हैं आपको। ये प्रैक्टिकल होते हुए जो स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिकल करते हैं वो प्रैक्टिकल का आपको वीडियो दे रहे हैं और दिखा रहे हैं। जिस तरह से देख रहे हैं आप, इसमें इसको ऑपरेट करने वाले ये भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ही स्टूडेंट है जो ऑपरेट कर रहा है और ये इसका प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल में जिस तरह से जॉब लेके चल रहा है, देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल का जो एरिया हम लोग का ओवरहेड क्रेन का है, इसको ईओटी भी बोलते हैं, ओवरहेड क्रेन ऑपरेटर, तो देखिए किस तरह से जॉब लेके चल रहा है। बहुत स्मूथनेस है इसके अंदर और इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे लड़के इस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं। ओवरहेड क्रेन में जहाँ तक बात है ट्रेनिंग के बाद जॉब के लिए, मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा डिमांड भी है और जॉब दोनों जगह पर है। अपनी कंट्री में ये इसका जॉब स्टील फैक्ट्री में भी है और आप जानते हैं कि ये गन्ने की फैक्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ओवरहेड क्रेन चलता है और हार्ट स्ट्रिप मिल में भी है, बगैर ओवरहेड क्रेन के चलता नहीं और वहाँ पर काम करने के लिए ओवरहेड क्रेन से वो रिमोट सिस्टम नहीं चलता, वहाँ पर तो केबिन में बैठकर ही काम करना पड़ेगा। और देखिए हम लोग केबिन में बैठकर ये लड़का काम कर रहा है, केबिन में बैठकर ये जब काम कर लेगा तो ओवरहेड क्रेन अच्छा है रिमोट सिस्टम पे काम करे या केबिन में काम करे। रिमोट तो इजी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि लोड को लेके चलने में कंट्रोल होना चाहिए, शेकिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी जॉब को लेके चल रहे हैं तो इसमें शेकिंग नहीं होना चाहिए। जब वो केबिन में बैठकर काम कर ले रहा है तो फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर, कहीं पर भी काम ले ले उसको तो। हॉट स्ट्रिप मिल में काम करने के लिए तो केबिन कंपलसरी है, उसमें ही बैठकर काम करना पड़ेगा। जितने भी सरिया की रॉड की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री हैं, चाहे स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे हो, वो वहाँ पर तो ओवरहेड के बगैर काम चल ही नहीं सकता है और वहाँ पर उस फैक्ट्री में ओवरहेड का काम बहुत ज़्यादा होता है। और बाहर के मिडिल ईस्ट के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए भी रिक्वायरमेंट इसका ओवरहेड क्रेन का बहुत ज़्यादा आता है। चाहे आप दुबई में हो, कतर में हो, सऊदी में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी कंट्री में जाना चाहे, अभी यूरोप के लिए, सिंगापुर के लिए, इधर के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं ओवरहेड क्रेन के लिए। अगर आप यहाँ पर भी जाना चाहते हैं तो यहाँ के थ्रू ही जा सकते हैं, आप इंटरव्यू फेस करिए, सिलेक्शन हो जाता है, जा सकते हैं। चूँकि अब तो कॉन्फिडेंस पूरी तरह से आ गया है, आप कहीं पर भी काम करें, किसी भी कंट्री में काम करेंगे, सिस्टम काम करने का यही है। तो दोस्तों इसका रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, हर जगह है, चाहे आप अपनी कंट्री में काम करें या विदेशों में काम करें। अभी देशों का तो बहुत विस्तार है जॉब के लिए, अभी तो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि खाली मिडिल ईस्ट ही है, यूरोप और अमेरिका और अभी यूक्रेन के लिए भी अभी देखिए वैकेंसी आई, अभी सिंगापुर के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओवरहेड क्रेन करना है तो ओवरहेड क्रेन बेझिझक आकर करिए। ये भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है आपको फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा, यहाँ काम करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा। अपने आपको सेटल करना है ओवरहेड क्रेन में तो आइए, मोस्ट वेलकम जमशेदपुर, भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, ट्रेनिंग करिए और सेटिस्फाइड होकर इंटरव्यू फेस करके अपना सिलेक्शन कराइए जॉब के लिए दोस्तों।